चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं आज आया हूँ उत्तराखंड के सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और जिसका नाम है ऋषिकेश। और ये जो यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके अलावा जो धार्मिक वाले बंदे हैं वो भी यहाँ बहुत आते हैं। तो आज मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये जगह क्या क्यों खास है, किसके लिए खास है। अगर आप एज ए धार्मिक पर्पज़ से आते हैं तो आपको कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ स्टे करना चाहिए, कहाँ का घूमना चाहिए। और अगर आप एडवेंचर पर्पज़ से आ रहे हैं, मेरे तरह यंगस्टर हैं, तो आपको कहाँ रुकना चाहिए और कौन कौन से एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पे ओपन है अभी, तो उसकी सारी जानकारी मैं उस वीडियो में दूंगा। और तो वीडियो बने रहेगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए घुमाता हूँ आपको ऋषिकेश। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी ऋषिकेश के बस स्टैंड पे। और अगर आप ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप तीन तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। पहला तो है बाई प्लेन, और जिसका नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांड है, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप ट्रेन से आ सकते हैं। तो मोस्टली जो ट्रेन है वो हरिद्वार तक आती है, कुछ ही ट्रेन जो है ऋषिकेश तक आती है। तो आप हरिद्वार आके वहाँ से इजिली यहाँ पे बस या ऑटो द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। तीसरा जो माध्यम है वो है बस के थ्रू आ सकते हैं दोस्तों। और जो देश के विभिन्न भागों से जो बस यहाँ पे इजिली आती है, बहुत सारी बसें आती है हर आधे घंटे के अंतराल में, तो कोई इशू नहीं है। तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा बस स्टैंड के लिए, और यहाँ से फिर आप आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं घुमाता हूँ और बताते हूँ कि क्या क्या प्राइस लेते हैं, क्या ऑटो के चार्जेस क्या हैं, वो बाकी भी आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना खर्चा आने वाला है। तो वीडियो के अंत में पूरा खर्चा डिटेल बताऊँगा कि एक बंदा अगर एक दिन के लिए आता है तो कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, क्योंकि मैं बजट ट्रैवलर हूँ, तो मैं फिलहाल जो आप रोडवेज वाली बस देख रहे हो इससे आया हूँ। और मुझे ना जो किराया लगा दिल्ली से और ऋषिकेश तक वो पड़ा है 360 रुपये का। इसके अगर आप एसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो मेरे जस्ट पीछे खड़ी है, तो इसका किराया 490 रुपये का। और अगर आप थोड़े से पैसे आपके पास ज़्यादा अच्छे हैं तो आप वॉल्वो से आना चाहते हैं, तो उसका किराया लगभग 700 रुपये पड़ेगा दिल्ली टू ऋषिकेश तक का। तो ये था आपका बस फेयर। तो दोस्तों, बस स्टैंड पे मुझे यहाँ पे ना ऋषिकेश के बस स्टैंड पे यहाँ पे चारधाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र है। और अगर आप बद्रीनाथ या केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं, और यहीं से आपको बस जो है चारधाम की यात्रा करवाएगी। तो दोस्तों, मेरे सामने जस्ट बस स्टैंड है, और बस स्टैंड से बाहर आते ही आपको यहाँ पे शेयरिंग वाले ऑटो मिल जाएंगे, और आपको पर बंदे 20 से 30 रुपये चार्ज करेंगे लक्ष्मण झूला तक। तो आप यहाँ से ऑटो कर जाते हैं। इसके अलावा आप बुकिंग करके जाते हैं तो उसका चार्ज वो 200 तक चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, जब मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है बस स्टैंड से। अगर आप बस स्टैंड पे आपको ऑटो नहीं मिलती तो आप आधा किलोमीटर वॉक करके इस चौक तक आएंगे ना, आ जाओ पिंको, इस चौक तक आपको यहाँ से इजली लक्ष्मण झूला राम झूला के लिए ऑटो मिलेगी 10-10 रुपये में। और ये जो रास्ता आ रहा है ये जाएगा आपका लक्ष्मण झूला राम झूला, और ये जो रास्ता है इस साइड ये जाएगा आपका त्रिवेणी घाट तरफ। तो पहले मैं त्रिवेणी घाट जाऊँगा और उसे एक्सप्लोर करूँगा, अब उसके बाद मैं दूसरे डेस्टिनेशन जाऊँगा। ठीक है, तो बनी रही वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मौसम का कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, लेकिन मौसम बिल्कुल बदल गया। थोड़ी देर पहले धूप थी पर अब बारिश हो रही है। और फिलहाल मैं अभी हूँ त्रिवेणी घाट पर, और शाम के समय लगभग 7:15 बजे यहाँ पे आरती होती है। और ये जो घाट है बहुत पुराना और सबसे बड़ा घाट है, और इसकी जो आरती होती है शाम की बहुत शानदार होती है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो उसे मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा उसके आरती को। और कहते हैं कि जब यहाँ पर श्री कृष्ण जी को जब पैर में बाण लगे था तो वो यहीं आए थे, और बहुत से लोग यहाँ पे अपने जो लास्ट रिचुअल्स को पूरा करते हैं। तो ये जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर ऋषिकेश आते हैं इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दोस्तों, पहाड़ देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, मौसम पे बादल लगे हुए पहाड़ों के ऊपर, इतने प्यारे लग रहे हैं। और व्यू देखिए दोस्तों, एक नंबर। तो दोस्तों, त्रिवेणी घाट देखने के बाद आप यहाँ जस्ट उसके पीछे पीछे से एक रास्ता जाता है, जो कि नदी के साथ साथ चलता है, गंगा जी के साथ साथ चलता है। और जस्ट मेरे पीछे देख रहे हो
ये है आपका बीटल आश्रम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ऋषिकेश की। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप जो वहाँ सामने एक भूतनाथ टेम्पल है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप उसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ का, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे और चलते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है जानकी सेतु ब्रिज, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। इसके अलावा लक्ष्मण झूला, राम झूला तो आपने मेरे सुना ही होगा, ये जानकी सेतु ओपन हुआ है, एक साल पहले ओपन हुआ है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको बस स्टैंड से रिक्शा मिल जाएगा, और वो हार्डली 10 से 15 रुपये लेता है पर सवारी, और आपको बस यहीं छोड़ देगा जानकी सेतु ब्रिज। और यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग भी है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, स्कूटी है, तो आप यहाँ भी इजिली पार्क कर सकते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है राम झूला, और मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड जितने भी होटल है ना, वो फुल है रखे हैं। तो चलते हैं राम झूला के उस साइड और सर्च करते हैं कुछ होटल, और दिखाते हैं आपको कि होटल के रेट अभी क्या चल रहे हैं। फिलहाल अभी काफ़ी टूरिस्ट आए हैं, तो होटल फिलहाल अभी नहीं मिल रहे हैं। ये राम झूला, ये देखिए कितनी ट्रैफिक हो रखी है, क्योंकि शायद लक्ष्मी झूला क्लोज़ है, इस वजह से ट्रैफिक जो है इसी पर है। तो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ अभी फिलहाल राम झूला पे, और जस्ट मेरे पीछे ना इस साइड गोवा बीच है, तो फिलहाल हम वहाँ भी जाएंगे और वो भी दिखाएंगे आपको गोवा बीच। दोस्तों, मेरे सामने अब लक्ष्मण झूला देख रहे हैं, और फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि रिपेयर काम चल रहा है। कह रहे हैं कि जो अवधि वो खत्म हो चुकी है और कभी गिर सकता है, इस वजह से इसको बंद कर देगा। और इसके जस्ट सामने ना यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज बना रहे हैं, तो फ्यूचर में बन के तैयार होगा, तो जैसे तैयार होगा तो एक ब्लॉग भी आएगा हमारा, तो बने रहिए ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, लक्ष्मण झूला पर खाने के आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। जब मुझे सबसे अच्छा लगा वो है गंगा जमुना, आप यहाँ ज़रूर खाइएगा, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है और मतलब अच्छा भी होता है, और मतलब आपके पॉकेट को भी सूट करेगा। यहाँ के जितने बाकी बाग में उतना खास आपको नहीं मिलेगा, पर ये गंगा जाना आप ज़रूर ट्राई करना। तो दोस्तों, ये है वो रूम जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और इसमें एक डबल बेड है, टीवी वगैरह नहीं है, और ये नॉन एसी रूम है, और काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ मिला है, और ये मिला है मुझे लक्ष्मण झूला में। और दोस्तों बता दूँ, अभी फ़िलहाल बारिश की सीजन है, फिर भी यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, और अगर आप रूम देखोगे राम झूला पे तो आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ ऑलरेडी पूरे फुल चल रहे रूम। तो आप अगर आपको आना है और रूम देना है तो आप लक्ष्मण झूला आ जाना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं और होटल रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। फिलहाल 1300 में से स्टार्ट है नॉन एसी, 1300 800 में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा ना, 800 1300 वो नॉन एसी वाले स्टार्ट हो जाते हैं, और ये करीब 3500 तक जाते हैं, जैसा रेट है और जैसा होटल उसके अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पर आइए, और फिलहाल अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, और जहाँ तक एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात है वो फिलहाल बंद है, और 15 सितंबर से आपका जो राफ्टिंग है दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, मैंने पता किया है। और जहाँ तक इसकी बात करें और बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की, वो फिलहाल अभी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिलहाल तो अभी बारिश हो रही तो बंद ही होगी। तो अभी फिलहाल आप ना आएँ, अगर आप सिर्फ घूमने पर्पज़ से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, चिल मारने आ रहे हैं, तो आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एडवेंचर के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पर आना बेकार है, बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है, तो लगातार हो रही है फिलहाल, तो देखते हैं हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं इसको। तो वीडियो बनी रहेगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है ऋषिकेश के ट्रिप का दूसरा दिन, और कल रात बहुत बारिश हुई, तो फिलहाल हम जा रहे हैं और जगह एक्सप्लोर करने, कल बारिश की वजह से काफ़ी कुछ रह गया था, तो आज हम एक्सप्लोर करने बीटल आश्रम, आपको गोवा बीच दिखाएँगे, आपको गीताश्रम दिखाएँगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी जानकारी वो दिखाएँगे। तो चलिए नाश्ता वास्ता करने के बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों, मैं अभी तपोवन चौक पे खड़ा हूँ, और जो ये रास्ता देख रहे हो ये जाता है आपके लक्ष्मण झूला की तरफ, क्योंकि लक्ष्मण झूला ये बंद है, तो जो आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते, और अगर आपको नीलकंठ जाना है
तो आपको ये चौक पे ही ना आपको ना गाड़ी मिल जाएगी जो कि आपको नीलकंठ लेके जाएगी 250 रुपये में और वापस भी लेके आएगी। तो इस तरह से ये रास्ता है, आप इस रास्ते से लेके जाएगी, ये देखिए यहीं पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए ये है गोवा बीच और काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पानी कभी बढ़ जाता है, तो जब भी नहाए ध्यान से नहाए, संभल के नहाए। ये देखिए ये प्लेस ज़रूर विज़िट कीजिए, जब भी आए ना यहाँ पर तो आप ऋषिकेश में आए तो गोवा बीच को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और सो दोस्तों मैं हूँ अभी ऋषिकेश के लक्ष्मी नारायण घाट पर और ये है दृश्य, ये देखिए काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप आते हैं तो आप भी स्नान कीजिए और गंगा में नहा के धन हो जाइए। तो दोस्तों बात करते हैं अगर ऋषिकेश में ठहरने को लेकर, होटल वगैरह लेकर, तो अगर आप धार्मिक उद्देश्य से आ रहे हैं और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप राम झूला के आसपास होटल लीजिए। अगर आप होटल निपटता है तो आप इस तरह से ना गीता आश्रम और जो है ये आपका परमार्थ निकेतन यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं 600 लेके हार्ट। और अगर आप यंगस्टर हैं और दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो आप ये सोच के आइए कि आप ना लक्ष्मण झूला के आसपास रूम लीजिए, आपको वहाँ पर अच्छा मिलेगा और वहाँ पर ना एटमोसफेयर अच्छा है, क्राउड अच्छा मिलता है और हाँ होटल वगैरह बढ़िया हैं और लेट नाइट भी आप वहाँ पे घूम सकते हैं, क्योंकि और बशर्ते यहाँ पे जो राम झूला के आसपास 7 या 8 बजे लोग खाली हो जाता है, और तो ये आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं जानकी सेतु ब्रिज और अब हम जाने वाले हैं द बीटल आश्रम। अगर आप यंगस्टर हैं और आपने बीटल आश्रम नहीं देखा तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, एक नंबर जगह है। और क्या टिकट है क्या प्राइस है मैं पहुँच कर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ की टाइमिंग और टिकट की, तो सबसे पहले टाइम बताता हूँ, यह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है और ऑल डेज ओपन होता है। बात करते हैं दोस्तों एंट्री फी की, तो यहाँ पे भारतीयों की टिकट है लगभग 150 रुपये की, सीनियर सिटीजन है तो 75 रुपये की, स्टूडेंट अप टू 18 ईयर्स का 40 रुपये, स्टूडेंट अप टू अबव 18 75 रुपीज़, और अगर फॉरनर तो 600 रुपये लगेगा। और आपको हाँ ID लेके आना ज़रूरी है। एक छोटी छोटी कुटिया बनी हुई, इस तरह के 84 कुटियाज हैं और सब पे ना एक नंबर लिखा हुआ है, मैं को दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे इस पे लिखा हुआ है 19 नंबर, लाल रंग में देखिए लिखा हुआ 19 नंबर, ठीक है। सो दोस्तों मैंने टिकट की इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, बात करते हैं लोकेशन की। दोस्तों ये पड़ता है ऋषिकेश में और जानकी सेतु जो आप ब्रिज है सो क्रॉस करने के तुरंत बाद आप राइट लेंगे, तो राइट चलते आएंगे तो आपको बीटल आश्रम बिल्कुल एंड मिल जाएगा। और तो दोस्तों देखिए मैं बीटल आश्रम के एक जो बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ से नज़ारा देखिए क्या शानदार लग रहा है। तो दोस्तों ये है वेद भवन, अगर आपने अगर बीटल आश्रम के जो बेस्ट पेंटिंग्स देखी वो इसी वाले भवन में है, तो चलिए आपको पेंटिंग्स दिखाता हूँ आपको अंदर से। और देखिए कितने लोग पिक्चर ऑलरेडी ले रहे होंगे, ये देखिए, और ये वो पेंटिंग जो आपने अक्सर देखी होगी बहुत सारी वीडियोस में, फोटोग्राफी में। और ये वाली दोस्तों ये देखिए, ये है मार्शी होगी जो बिल्कुल सामने है, और ये जो बीटल ग्रुप के जो मेम्बर्स हैं ये वो सारे हैं, इसके वजह से इसका नाम बीटल आश्रम पड़ा था। तो दोस्तों बस वीडियो के अंतिम चरण में है और ये पेंटिंग जो आप इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार पेंटिंग है और बहुत से लोग यहाँ बैठ के पिक्चर्स लेते हैं, हम भी लेंगे।
तो दोस्तों आप जो हम जगह देखने जा रहे हैं वो है ऋषिकेश का भूतना टेंपल, जो दोस्त मेरे देखो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है ये भूतना टेंपल, हम यहीं जाने वाले हैं। और अगर आप यहाँ नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाइएगा, वहाँ जो व्यू दिखता है ना ऋषिकेश का बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ये ज़रूर विजिट करना चाहिए भूतना टेंपल। और इसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ भी देख लीजिएगा, फुल वीडियो मैंने डाली हुई है। सो दोस्तों अगर आप भूतना टेंपल जाना चाहते हैं उसके दो रास्ते हैं, पहला तो आपको जानकी सेतु ब्रिज है उसके तुरंत बाद क्रॉस करते ही ना आपको रास्ता मिल जाएगा, सीधा जाता है। और दूसरा रास्ता है जो आपका परमात्म निकेतन आश्रम है, उसका सेकेंड गेट जस्ट पीछे रास्ता जाता है। तो दो रास्ते हैं जहाँ से वॉक करके इसलिए आप भूतना टेंपल पहुँच सकते हैं। सो दोस्तों मैंने एंट्री कर ली है भूतना टेंपल के मेन एंट्रेंस से, और अभी थोड़ा और चलना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर जो है 13 माला है, तो उस पर हम चलेंगे, बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, वहाँ से व्यू जो दिखता है वो भी दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे, और बोलिए हर हर महादेव। सो दोस्तों ये है मंदिर, इसे भूतेश्वर या भूतनाथ टेंपल कहते हैं। चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर चलते हैं, थोड़ी चढ़ाई है और फिर सीढ़ियाँ, बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों ये मेन मंदिर है, चलते हैं ऊपर। दोस्तों मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया भूतना टेंपल का, थोड़ी टॉप पे जाना है, और ये खूब सारी घंटियाँ लगी हुई हैं और सामने अच्छे शिवलिंग है, और यहाँ देखिए नज़ारा क्या शानदार है। सामने जानकी सेतु ब्रिज है, और इस साइड आपका देख रहे हो वो राम झूला है, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, वाह। और वो दिख रहा है वो है बीटल आश्रम। सो दोस्तों मैं हूँ भूतना टेंपल के टॉप फ्लोर पे और टॉप मंजिल पे हूँ, और इसकी कहानी जो है, इसका जो महत्व है इस मंदिर का, वो ये है कि जब शंकर जी की शादी हो रही थी तो उनकी जो बारात थी वो यहीं रुकी थी, इस वजह से इस टेंपल को भूतना टेंपल आता है, क्योंकि जो कहते हैं जो बारात में थे शामिल हुए थे वो भूत ही थे, इस वजह से इस टेंपल को भूतना टेंपल कहा था, और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और अगर आपने इसको विज़िट देखा ज़रूर विज़िट कीजिए, यहाँ से जो नज़ारा है एक नंबर दिखाया था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक नंबर नज़ारा है यहाँ से ऋषिकेश का। तो दोस्तों व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और फिलहाल जो ऋषिकेश का जो ट्रिप था वो यहीं समाप्त करते हैं, और मैंने काफ़ी कुछ दिखाया है, और क्योंकि मॉनसून स्टार्ट हो चुका है इस वजह से जो काफ़ी कुछ बंद है, जैसे आपका पटना वाटरफॉल और नीर वाटरफॉल क्लोज है मॉनसून की वजह से, इसके अलावा राफ्टिंग नहीं हो रही, एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं हो रहे। तो अगर आप घूमने आ रहे हैं सिर्फ टफली ऐसे लोग फ्रेंड के साथ इन्जॉय करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, और अभी थोड़ा बहुत क्राउड है, होटल वगैरह थोड़े महंगे मिले वीकेंड्स में, बाकी दिन ठीक है, और घूमने काफ़ी कुछ है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है, और कैसे जाना है वो भी बता दिया है, टिकट प्राइस भी बता दी है। तो अगर आप ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक ठोकिएगा, और हाँ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।